है बिलासपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित आदिवासी सम्मेलन में नक्सलवाद को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों को शिक्षा और विकास से दूर कर पलायन करने पर मजबूर किया गया। कांग्रेस सरकार ने 3 साल में आदिवासियों को शिक्षा और विकास से जोड़ने का काम किया। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में आदिवासियों की जमीन को लेकर तख्ता पलट हो गया, लेकिन आज तक उनकी जमीन वापस नहीं मिल पाई। छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जहां पर आदिवासियों को उनकी जमीन वापस दी गई है। आदिवासी दिवस है और आदिवासी दिवस के अवसर पर सभी आदिवासी हमारी सरकार आदिवासियों के हितों और अधिकारों के प्रति हमेशा सचेत रहा है और अनेक कार्यक्रम नीतियां कांग्रेस की सरकार ने बनाई है, उसका लाभ छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन उठा रहे हैं। चाहे विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी की बात हो, चाहे फॉरेस्ट राइट के पट्टा की बात हो, चाहे पैसा कानून के नियम बनाने की बात हो, चाहे उनके लघु पर खरीदने और विपणन की व्यवस्था हो, सब काम सरकार कर रही है, जिससे और उसकी संस्कृति को बचाने के लिए, संवर्धित करने के लिए भी अनेक कदम सरकार ने उठाए, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ के आदिवासी। नीतीश कुमार और सभी